सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू करने का लाखों बहनों को फायदा होगा, वहीं पर उनको एसएचजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट की सुविधा मिल पाएगी। रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की बात हमने कल घोषणा की है। ये हमारी उन बेटियों को, उन बहनों के लिए है जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और देश का भविष्य भी उज्ज्वल करेंगी। बेटियों के लिए मुफ्त स्कूटी की सुविधा ये अपने आप में उनके और सशक्तिकरण की ओर ले जाएंगे। सभी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम स्वास्थ्य बीमा मिशन मोड पर प्रदान करेंगे ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके। खेलों में भारत की बेटियों ने शानदार काम किया। उत्तर प्रदेश में भी महिला एथलीट्स ने प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। 500 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एवं डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत करेंगे, जहां महिला खिलाड़ियों को चुना जाएगा उनकी प्रतिभा के अनुसार और उनको 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का हम काम भी करेंगे। इसके अलावा विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपए की पेंशन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपको याद होगा ये वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन पूर्व की सरकार में मात्र 300 रुपया मिलती थी, हमने बढ़ाकर उसको 1000 किया था, अब हम उसको बढ़ाकर 1500 करने वाले हैं। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार ये आगे भी निरंतर जारी है। इसके लिए हमें संकल्प पत्र में सशक्त नारी के अंतर्गत इसको लेकर आए हैं और हम उत्तर प्रदेश की अपनी बहनों को, मातृशक्ति को विश्वास दिलाते हैं कि योगी सरकार आपकी सुरक्षा के लिए काम भी करती रहेगी, समृद्ध, संपन्न और स्वावलंबन के लिए भी आगे हमारी सरकार समर्पित रहेगी। हिमांशु से जिसका एक एक नाम लेते जाएंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता तो छोड़ते ही थे, कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता है उनकी अनदेखी तो हुई, वो तो कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर ही हो गए। जो नई युवा पीढ़ी को भी तैयार करने का काम करते थे, कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त होकर वहां के भ्रष्टाचार के तंत्र को देखकर आज कांग्रेस से युवा पीढ़ी भी कन्नी काट रहे, उनके पोस्टर गर्ल्स भी छोड़कर जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अनदेखी की बातें कर रहे हैं। ये प्रियंका वाड्रा जी के ऊपर इतने बड़े आरोप एक के बाद दूसरे लगे हैं, प्रियंका वाड्रा जी को इस पर जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार टिकटों की नीलामी के आरोप, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप, महिलाओं की ही अनदेखी के आरोप कांग्रेस के ऊपर जो लग रहे हैं, क्या इसके लिए कांग्रेस का ये परिवार जिम्मेदार नहीं? कांग्रेस की ये नीतियां जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं? हमने जो पिछला लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में लाए थे उसमें भी कहा था गुंडा राज भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे, हमने वो करने का काम किया। उस दिशा में काम, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान के अधिकार देने की बात की वो किया, हमने 70 लाख रोजगार स्वरोजगार की बात की थी, हमने 3 करोड़ रोजगार स्वरोजगार देने का काम पिछले 5 वर्षों में किया है, हमने जो कहा वो करके दिखाया है, भाजपा ने करके दिखाया है, भाजपा फिर करके दिखाएगी।
देखिए मैं आपको इस पर ले जाऊं वापस कि वो लोग सोचते बहुत हैं, करने का अवसर नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया, बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस के गांव का खाता ही नहीं खुल पाता है। कागजों में कुछ भी लिख पाए सत्ता में आएगी तो कुछ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तब हमने जाकर यहां पर वायदों को सच करने का काम किया, जो संकल्प लिया उसको सिद्ध करने का काम किया था। ये केवल मात्र घोषणाएं करती हैं, जो अपने पोस्टर गर्ल को नहीं बचा पाई वो अपने घोषणा पत्र में जो वायदे होंगे उनको क्या पूरा कर पाए। एक एक करके सवाल आने दीजिए, पूछिए क्या सवाल, क्या सवाल है। मामला कोर्ट पर विचाराधीन है, आज उसकी सुनवाई। मुझे लगता है आपको, मुझे और सबको ही कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। बसपा और सपा की सरकार में तो वातावरण ऐसा होता था कि बच्चियां घर से बाहर निकले पे डर महसूस करती। मुफ्त शिक्षा देने की बात तो दूर की है। अगर दंगे होंगे, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होगा, महिलाओं के अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी जो सपा बसपा के शासनकाल में थी, तो आप कहां से शिक्षा की बात करते हो। सुरक्षा हमने दी तब जाके शिक्षा का सुधार भी हो पाया। सुरक्षा सबसे पहला कदम है जिसके कारण शिक्षा भी, व्यापार भी और रोजगार कारोबार भी बढ़ते हैं। इसलिए सुरक्षा के लिए हमारी सरकार समर्पित है और आगे भी रहेगी। दूसरी बात जो महिलाओं को लेकर की गई, हमने हर परिवार को महीने में दो बार मुफ्त में राशन दिया, ना बसपा ने दिया, ना सपा ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया। अब हमने ही दो उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त में रसोई गैस के सिलेंडर होली और दीपावली पर देने की बात कही, इन्होंने नहीं दिया। इनके समय तो रसोई गैस के सिलेंडर नहीं थे, लकड़ी इकट्ठी करके धुआं निकलता था, आंखों से आंसू निकलते थे, पानी लेने के लिए 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता था। हमने पाइप भी घर तक पहुंचाई, नल लगाकर जल देने का काम नहीं कर। जी अल्लाह, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी की लोकप्रियता इतनी है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी यहां पर आना पड़ रहा है। ये वही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो चुनाव के समय यूपी को बदनाम करने की कोई कसर ममता बनर्जी जी ने नहीं छोड़ी। यूपी के लोगों को गुंडा कहने से ममता बनर्जी जी पीछे नहीं हटे। और ममता बनर्जी को लेने सबसे पहले कौन गया, जिनके राज्य में गुंडों को संरक्षण मिलता था, अपराध की घटनाएं माफिया राज को बढ़ावा मिलता था, वो लेने सबसे पहले ममता बनर्जी जी को सबसे पहले गए। मेरा सवाल ममता बनर्जी जी और अखिलेश यादव जी से, एक ने उत्तर प्रदेश का अपमान किया ममता बनर्जी ने, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के लोगों को जवाब देना पड़ेगा अखिलेश यादव जी को
कि उत्तर प्रदेश को अपमानित करने वाली ऐसी महिला को लेने के लिए वो क्यों गए, उनको गुलदस्ता देने का काम भी किया। क्या उत्तर प्रदेश के मान सम्मान के लिए अखिलेश जी के मन में कोई स्थान है या नहीं? और जहां तक ममता बनर्जी जी की बात करूं तो जीता जागता उदाहरण अगर देश में कहीं है कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए गुंडई को दंगई को बढ़ावा देती है, जिनके सत्ता में आते ही परिवारों को छोड़कर पलायन करना पड़ा, दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को मारपीट करके वहां से भगाने का काम हुआ, ये एक दंगई दूसरे राज्य से आकर उत्तर प्रदेश में दंगा करवाने वाली पूर्व सरकार के मुखिया अखिलेश यादव से हाथ मिलाने आए। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, पश्चिम बंगाल से आने वाले दंगई उत्तर प्रदेश के पुराने दंगइयों का साथ देंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, हमने पहले महिला पुलिस बटालियन 3 हमने बनाई, अब हम उसको 6 करने जा रहे हैं, दुगनी करने जा रहे हैं। इसी तरह से जो बाकी रिक्त स्थान है हमने कहा हम उनको तेजी से भरने जा रहे हैं, और महिलाओं को जितनी नौकरियां आ सके उसे दुगनी करने वाले हैं। हम नई नौकरियां भी देंगे और महिलाओं को नौकरियों को दुगना भी करने का सुनिश्चित करेंगे। सॉरी, निश्चित तौर पर होगा, रोजगार स्वरोजगार के जब अवसर बढ़ते हैं तो उसकी संख्या भी बढ़ने ही वाली है, और सरकारी नौकरियों के जो रिक्त स्थान है उनको जब भरेंगे तो निश्चित तौर पर दुगनी हो ही जाएंगे। और इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं, हमने जो भी किया है उसके लिए कानून बनाना पड़ता है, कानून बनाएंगे, कुछ और करना पड़ता है वो भी करेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए नौकरियों को दुगने करने का हमने संकल्प लिया है, इसको सिद्ध करके ही देंगे। देखिए, वो क्या कहते हैं इस पर हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में एक सवाल है कि सपा अपना संकल्प पत्र जारी करने आए या घोषणा पत्र जो भी करने आए, जो भी ने नाम दिया होगा, उस समय के उस पार्टी के नेता थे साथ में, मंच पर कौन था? कौन था मंच पर साथ? उस पिक्चर को एक बार वापस याद करना चाहिए। ये अपने आप में दिखाता है समाजवादी पार्टी सुनी हो रही है, खाली हो रही है, अपने छोड़कर जा रहे हैं, अपनों का ही साथ मंच पर नहीं मिल पा रहा है। ये अपने आप में दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की हालत इस चुनाव के बाद क्या होने वाली है, उसका एक ट्रेलर कल देखने को मिल गया। आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जब जब महिला आरक्षण की बात आई समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया लोकसभा में, ये महिलाओं के पक्ष में कभी थे ही नहीं। अखिलेश यादव जी को पूछिए क्या उस समय वो सांसद थे,